Evening. Now see part 5 of chapter 10, exercise 10.4. इसमें अभी देखते हैं क्वेश्चन 5th. तो क्वेश्चन 5th में कह दिया, थ्री गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क. रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा. अभी देखो थ्री गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप दे आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर. ठीक है, तो उनकी पोजीशन इस तरीके से लेनी है. सो इसमें क्या, रेशमा थ्रोज द बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा. इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा सलमा एंड सलमा मनदीप इज 6 मीटर, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, इसका फाइंड करना है आपको. ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपको देखो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ओ एस ये रेडियस हो गया तो ये दिया है 5 मीटर, ओ एम भी रेडियस हो गया ये दिया है 5 मीटर, आर एस इक्वल्स टू आर एम दिया है 6 मीटर. हमको फाइंड करना है डिस्टेंस आर एम. ठीक है, डिस्टेंस आर एम फाइंड करना. नाउ इन ट्राइंगल एस ओ एम, एस ओ एम में देखो तीनों भी साइड दिए, तो हम हिरॉन्स फॉर्मूला से इसका एरिया फाइंड करेंगे. सो ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 5, सी इक्वल्स टू 6. सो पहले एस फाइंड किया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो 5 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन 2, तो एस इक्वल्स टू आता है 8. सो बाई यूजिंग हिरॉन्स फॉर्मूला वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एस ओ एम, that is equals to square root of s, s minus a, s minus b into s minus c. s है 8, 8 minus 5, 8 minus 5, 8 minus 6. तो ये आ जाता है 8, तो 8 को हमने लिखा 2 into 2 into 2, ये 3 into 2. तो ये 2 का भी ग्रुप है, यहाँ पे भी 2 का पेयर है, यहाँ पे भी 2. तो 2 into 2 into 3 आ जाता है 12 square centimeter is the area of SOM. अभी देखो, SOM, इसमें area of triangle हमने find किया, अभी हम फिर से हाफ बेस इनटू हाइट लगा के फिर से हम फाइंड करेंगे. अभी हमको बेस हाइट फाइंड करनी है. ये देखो एस एरिया ऑफ एस ओ एम इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट. अभी इसमें है हाफ बेस इनटू हाइट. अभी इसमें बेस कौन सी, हाइट कौन सी है, अभी फिगर में देखो. तो इसमें एस ओ एम में बेस है एस ओ और हाइट है पी एम, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने. सो हियर हाइट बेस लेना है एस ओ एंड हाइट एज पी एम. तो आ जाएगा बेस एस एसओ एंड हाइट एस पीएम. एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड किया हिरॉन्स फॉर्मूला से, दैट इज इक्वल्स टू 12, हाफ ओ एस दिया 5, पीएम फाइंड करना है. तो पीएम आ जाता है 4.8 मीटर. सो आरएम कितना हो जाएगा, वी नो पीएम इक्वल्स टू 4.8 मीटर है, तो आरएम कितना हो जाएगा, आरएम हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 4.8. वी नो बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. सो डबल ऑफ पीएम विल बी आरएम. तो आरएम आ जाता है ट्वाइस ऑफ 4.8, दैट इज इक्वल्स टू 9.6 मीटर. सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इक्वल्स टू 9.6 मीटर. नाउ इन क्वेश्चन 6, इट इज गिवन अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी. थ्री बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन इज हैंड टू टॉक विद ईच अदर. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, थ्री बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड दे आर सिटिंग एट द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क. ठीक है, जिसमें इन तीनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल दिया है. ठीक है, रेडियस दिया आपको 20 मीटर. ठीक है, 20 मीटर रेडियस दिया, तो ये ओडी रेडियस हो गया, ओए भी रेडियस हो गया. ठीक है, नहीं सॉरी ओडी नहीं है, ओए जो है ये रेडियस है, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर. ओए जो रेडियस है वो दिया है आपको 20 मीटर, और ओ भी ये रेडियस हो गया, ये भी दिया है 20 मीटर. ठीक है, नाउ वी आर इन ट्राइंगल ए बी सी, सिंस ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू बी सी, तीनों भी साइड इक्वल दिए, सो देयरफॉर ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो हमने सारे साइड इसमें क्या लिए हैं, ए बी लिया है 2a, ए सी भी लिया है 2a और बी सी भी लिया है 2a. ठीक है, सो देयरफॉर वी हैव टेकन ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू 2a. नाउ अभी ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे OD इज परपेंडिकुलर टू BC. ठीक है, तो बाइसेक्ट हो जाएगा, ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा, तो पूरा 2A, तो ये हो जाएगा हाफ AA. और वैसे भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये जो परपेंडिकुलर है ये मीडियन का भी काम करता है. ठीक है, सो ये हो जाएगा, ये पूरा 2A है, तो ये हो जाएगा AA. ठीक है, तो A और ये हो गया. नाउ नाउ इन ट्राइंगल ABD, अभी ट्राइंगल ABD में पाइथागोरस लगाते हैं, सो वी गेट AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. ए बी दिया है 2a होल स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, बी डी दिया है a स्क्वायर, तो ये आता है 4a स्क्वायर, ये a स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर आता है 3a स्क्वायर,
तो एडी हो जाएगा रूट थ्री ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा, तो रूट थ्री ए आ गया एडी। ठीक है, अभी देखो हमने एडी फाइंड किया है, अभी हम ओडी फाइंड करते हैं। ओडी के लिए क्या करना पड़ेगा, एडी माइनस एओ। एओ दिया आपको 20 और एडी हमने अभी फाइंड किया, सो ओडी इक्वल्स टू एडी माइनस एओ। तो एडी दिया है रूट थ्री ए और एओ दिया है 20, तो रूट थ्री ए माइनस 20 इज ओडी। नाउ वी हैव टू अप्लाई पाइथागोरस इन ट्राइंगल बी ओ डी। तो इसमें आ जाएगा ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओ बी दिया है 20 स्क्वायर ओ डी, अभी हमने फाइंड किया ए डी माइनस ओ डी करके रूट थ्री ए माइनस 20 का होल स्क्वायर, और बी डी आ जाएगा ए स्क्वायर। तो आता है ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर है रूट थ्री ए माइनस 20 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर है 20 होल स्क्वायर आ जाएगा, इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड करना है, तो रूट थ्री होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 इंटू रूट थ्री ए प्लस 20 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आता है रूट थ्री ए का होल स्क्वायर आ जाएगा 3a स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में हर एक टर्म का स्क्वायर करना है, रूट थ्री का स्क्वायर ए, रूट थ्री का स्क्वायर 3 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। यह आ जाएगा 40 रूट थ्री ए, 20 का स्क्वायर 400 प्लस ए स्क्वायर। तो ये 400 कैंसिल हो जाएगा, इधर आप लाओगे वैसे भी तो माइनस 400 हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा ये। इक्वल्स टू ये आता है 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो जाता है 4a स्क्वायर माइनस 40 रूट थ्री ए। तो इसको हमने इधर लेके आ गए, तो ये आ जाए 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 40 रूट थ्री ए। ए स्क्वायर में से a चला जाता है, तो वी गेट 4a इक्वल्स टू 40 रूट थ्री। तो a का वैल्यू आता है 10 रूट थ्री, तो a 10 रूट थ्री है, तो 2a कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 रूट थ्री, दैट इज इक्वल्स टू 20 रूट थ्री। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल्स टू 20 रूट थ्री मीटर। ओके, थैंक यू।